जो बोलते हैं, जो कुछ बोलते हैं वो आप ही बोलते हैं, कोई और बोलता है। दूसरा प्रश्न इसी में, ये जो ध्वनि आती है वो आपकी होती है किसी और की होती है? जो आती है वो किसी और की होती है, और जो बोलते हैं वो माध्यम से जो बोलते हैं वो बोलते आप हैं, ध्वनि किसकी होती है? आकाश के माध्यम से ध्वनि हो रहा है, आकाश के माध्यम से ध्वनि हो रहा है, आकाश आकाश की होती है। बोलते तो हम ध्वनि प्रकृति के प्रकृति में ध्वनि बोलते तो हम ही अच्छे किसी के माध्यम से वो अहंकार भी होता है, मैं का होता है और जो एक हाँ जी आपका क्या अनुभव है, कौन बोलता है, किसकी ध्वनि आती है? आप जो बोल रहे हैं आप ही बोल रहे हैं, कोई और बोल रहा है? मतलब कि आप ही बोल रहे हैं, कोई और बोल रहा है? इच्छा प्रयत्न तो हम कर रहे हैं पर शरीर वाणी मन के द्वारा से जो वाणी निकल रही है ये बोलना जो क्रिया है कौन कर रहा है, आप या कोई और? और ये जो ध्वनि आ रही है वो आपकी आ रही है और किसी की? जब ऐसा लगता है कि जो भी बोलेंगे उससे कोई परिणाम नहीं होगा तो ऐसा लगता है मन से, मतलब मन से आत्मा से आवाज आ रही है जैसे कोई परिचित हो, पर अगर कुछ लगे अपरिचित है बोल देंगे तो क्या होगा? नहीं, प्रश्न का उत्तर आपने देना है। ये जो बोला अभी आपने, हमने तो माना आपने ही बोला, पर ये क्या सच है, आपने ही बोला या किसी और ने बोला? अभी किसने बोला, आपने ही बोला या किसी और ने बोला? किससे बोला ही थोड़ी पूछा जा रहा है, कौन बोला, इसका उत्तर आपको क्या लगता है? नहीं बोल, बोलते तो हम हैं, ईश्वर के दिए हुए साधन की सहायता से और तो नहीं, किसकी आदमी होती है? पैखी वाणी से ध्वनि होती है, ध्वनि वाणी तो एक ही हुई ना, वो किसकी हुई? बैखरी तो वाणी होगी लेकिन वही तो ध्वनि हुई ना, पर है किसकी वो? हमारी आत्मा के द्वारा शरीर के माध्यम से जीवन से बोलते हैं।
किससे बोलते हैं वो थोड़े प्रश्न है यहाँ। यहाँ तो एक कौन बोलता है और ध्वनि किसकी होती है, उसी की होती है और किसी की होती है। हाँ जी मुनि जी, ऐसा ही लगे कि हम ही बोल रहे हैं। अच्छा, और इसका पता नहीं ध्वनि क्या है इसका, सही आप बताओगे तो क्या। नहीं, प्रश्न का उत्तर देना है, विवरण नहीं देना। प्रश्न था आप बोलते हैं या कोई और बोलता है, दूसरा प्रश्न है ध्वनि आपकी आती है किसी और की आती है। और ध्वनि आत्मा की है, तो दो तरह की मत आ गए हैं। जो बोलता है वो तो हम हैं, लेकिन ध्वनि हमारी नहीं होती है, हमारे पास ध्वनि नहीं है। ध्वनि आकाश की होती है। अब इसमें आता है कि अगर ध्वनि किसी की होती है, बोलता कोई और है, ये दोनों कैसे पता लग जाता है दूसरे को? उससे तो निकलने नहीं ध्वनि, पर वो कैसे जात हो जाता है किसी से कोई और, ये कैसे हो जाता है? नहीं, ध्वनि किसी और की हुई ना, मुंह में निकलती है, जीव से निकलती है, यहाँ खंड आदि से, लेकिन इससे बोलने वाला कोई और है, ये कैसे पता लग जाता है किसी से किसी और का ज्ञान कैसे हो रहा है? संबंध ही जब नहीं है दोनों में। आकाश तत्व के साथ संबंध है आत्मा, वही प्रश्न था। दोनों पृथक हैं तो कैसे पता चल जाएगा? दोनों में संबंध ही नहीं बनता है ना फिर, अगर पृथक पृथक हैं तो फिर पहचान कैसे हो जाती है एक से दूसरी? वो दूसरा है ज्ञान कराने के लिए। वो दूसरा है ज्ञान कराने के लिए, तो कोई दूसरा है ज्ञान कराने के लिए? नहीं, यहाँ तो किसी की जरूरत पड़ रही है क्या? ईश्वर बता रहे हैं कि ये बोल रहा है, नहीं दूसरे को कैसे पता लग गया कि वो बोल रहा है? आवाज तो देखो इससे भी आ रही है ना, पर ये नहीं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है? नहीं, मेरे से थोड़ी वैसे ध्वनि नहीं निकल रही है ना, शरीर से आ रही है। आप तो ध्वनि को पर आपके पास ध्वनि जा रही है, मैं थोड़े जा रहा हूँ, और ध्वनि मेरी है नहीं। आपके पास शब्द, आपसे शब्द आए मतलब आपके शरीर से कान में टकराया तो पता चल रहा है कि कहाँ से तो शरीर में थोड़े हूँ वो ध्वनि, अलग है ज्ञान का माध्यम है जैसे आप बोल रहे हैं।
माइक में आवाज मेरे सामने थोड़ी माइक है माइक में आवाज हो रही है माइक में ध्वनि हो रही है बोल आप रहे मन की जो चेतन शक्ति हो सर तो ये जो माइक का संबंध है वो तो आकाश तत्व का है मेरा कैसे हो गया ज्ञान प्रश्न तो वही रह गया नहीं आकाश का ज्ञान होना चाहिए था ना गौर वाले का है गौर वाले का ना गौर होते ना गौर जो गौर तरफ कराते हैं ये तो साधन हम साधन नहीं मालिक की बात नहीं है यहाँ ज्ञान हो कैसे जाता है दूसरे का दूसरे से ये है शब्द शब्द संतान को उत्पन्न करता है कैसे आगे आगे पर इधर से तो दिखता नहीं है ना वो पर जान तो इधर से ही होता है यहाँ से ध्वनि आई नहीं इसकी इसने वो की ध्वनि ये होती है ना समर्थ आप देख क्या कहना चाहते हैं जो सब आप बोल रहे हो समझ आ रहे हैं इसलिए हमको पता चल रहा है कि आदमी बोल रहा है कुछ भी बोल रहा है यही तो प्रश्न है यही तो सींग है वो सींग वाली कहानी सुन रखी है कि घोड़े के सिर पर जो सींग थी ना उस सींग के कारण मरा था घोड़ा वो जैसे कि घोड़ी मर गई ना इसकी वो बछड़ा पता नहीं कहाँ गया वो है उसको कैसे पान दूध पिलाते हैं क्या बाहर दिखता नहीं है बाहर कुत्ते खा सकते तो ऐसे ही कोई था व्यक्ति इसका भी घोड़ा पहले मर गया था यहाँ पहले भी वो वानप्रस्थ में जब रहता था कुछ दिन के लिए घर चला गया था एक महीने कितने दिन के लिए तो उनसे घर मध्य प्रदेश में है तो वहाँ घोड़ा ले नहीं जा सकता था तो यहीं छोड़ दिया तो पहले तो किसी ने नहीं रखा गया तो ऐसे आश्रम में वहाँ छोड़ दिया फिर उसके बाद कपिल जी थे वो उन्होंने कहा चलो मैं इसको खिला पिला दे करता हूँ और कोई नहीं देख रहा है तो मैं देख लूँगा उसमें क्या हुआ तीन चार दिन बाद फिर घोड़े ने खाना पीना छोड़ दिया सब नहीं खाया उनके हाथ का काश भी पहले तो कोई दे ही नहीं रहा था उन्होंने थोड़ा मोटा शुरू किया उसके पास जाना आना लेकिन उसने नहीं खाया पिया कुछ नहीं और मर गया घोड़ा इसके बाद फिर कैसे मर गई घोड़ी ये तो पता नहीं तो ऐसी और किसी की कहानी है ये एक व्यक्ति था उसको कहीं पर यात्रा में जाना था उसके पास भी एक घोड़ा था उसने कहा घोड़े को मैं कहाँ तक ले जाऊंगा यात्रा में बहुत दूर जाना है नदी वदी मिलेगी तो छोड़ के अपने मित्र के पास कहा कि भाई मैं यात्रा में जा रहा हूँ तुम घोड़ा मेरा रख लो मैं वापस जब आऊँगा तो दे देना हाँ ठीक है कोई बात नहीं छोड़ दो यहाँ तो घोड़ा छोड़ के वो चला गया कुछ दिनों के बाद उसको लोभ आ गया वो समय पर शायद या तो नहीं आया देर हो गई और कुछ हुआ तो पहले ही उसको लोभ आ गया कि इसका घोड़ा बेच दिया जाए उसको क्या पता चलेगा क्या हुआ बूढ़ा था उसका मित्र उसने घोड़ा बेच दिया फिर उसके बाद ये तब तक आ गया फिर जाके पूछा भाई मेरा घोड़ा कहाँ गया उसने कहा घोड़ा तो मर गया मर कैसे गया कहाँ है अच्छा वो कहाँ फेंका था उसको वो देखो गांव के बाहर मेरे फेंका है उसको चलो दिखा देता हूँ वो कहा चल दिखा दे तो दिखाने गया तो वो घोड़े का तो था नहीं उसने मरा तो था ही नहीं वो हड्डी वो उसकी पड़ी थी मतलब कंकाल हो क्या बोलते पंजर तो वो बैल का था उसमें सींग थे वो कंकाल में तो उसने पूछा कि ये है क्या उसने कहा ये कंकाल है सब देखो ये था घोड़ा
गा रही इसमें तो सिंह है, भाई यही तो बीमारी थी वो कैसे मरा इसी कारण से तो मरा था। वही बात आपकी भी आ रही है, वो कारण ही तो नहीं पता लग रहा, यही तो कारण था। शब्द से आत्मा का ज्ञान कैसे हो रहा है, इसका उत्तर देना था। आत्मा शब्द को प्रकट कर रहा है ये तो ठीक है, इसमें कोई बाधा नहीं है, इसके प्रकट करने से शब्द आ रहा है हमारे पास, लेकिन शब्द उसका नहीं है फिर भी उसका है ये ज्ञान कैसे हो रहा है। दूसरे को कैसे पता लग रहा है, वो तो अपने अंदर कर रहा है पर दूसरे को पता लग रहा है, दूसरे को तो दिख नहीं रहा है, वो कैसे जान गया कि इसने फड़फड़ कर रहा है अंदर। व्यवस्था है तो फिर यहाँ बैठने की जगह क्या है, व्यवस्था है ही पर जानना तो है ना अपने को। जो बोलना होता है वो इन साधनों से नहीं होता जिनसे बोला जाता है, क्या बोलना है इस कारण से दूसरे को पता होता है कि मैं भी ऐसा ही करता हूँ, जो बोलना चाहता हूँ इनकी सहायता से बोला जाता है, वो शब्द इसमें प्रकट नहीं हो सकते दूसरे साथ। हाँ तो ठीक बात है, इसमें कारण होता है कि दूसरा उसमें बोल रहा है ये तो अनुमान से जान होता है, मैं भी बोलता हूँ अपने शरीर में और मुझसे ध्वनि निकलती है, तो ऐसे ही सामने आप भी बोलते हैं आपसे ध्वनि निकल रही है, ये अपनी अनुभूति का दूसरे में अनुमान हो जाता है, इसलिए दूसरे में ये हो रहा है या दूसरा बोल रहा है ऐसा अनुमान से ज्ञान होता है, उसकी अनुभूति से नहीं होता है। लेकिन अब प्रश्न है कि मैं ही बोलता हूँ ये कैसे सिद्ध है, अपने में मान लो वो आ गया, दूसरे ने बोला चलो ठीक है वो तो हो गया और वो, लेकिन मैं बोलता हूँ इस आधार पर वो सिद्ध है। तो मूल प्रश्न होगा कि मैं ही बोलता हूं ये कैसे पता चलेगा, तो इसका उत्तर है कि जो शब्द का क्रम होता है और शब्द का अर्थ के साथ जो संबंध होता है सांकेतिक संबंध, वो केवल चेतन प्रेरित होता है, चेतन निमित्तक और किसी के काम की ये चीज नहीं होती है या और कोई ऐसा कर नहीं सकता, दो ध्वनि को कोई नहीं जोड़ सकता है। क्यों? कारण ये है कि वस्तुतः दो ध्वनि कभी एक साथ होती नहीं है, नाम जैसे बोलेंगे तो जब रा बोलेंगे तो आ नहीं होता है, आ बोलते हैं तो रा नहीं होता है, रा बोलेंगे फिर आगे माँ नहीं होगा, माँ बोलते हैं तो आ नहीं होता है, ऐसे करके कोई भी जो होती है ना दो ध्वनि कभी एक साथ हुआ ही नहीं करती है। जब ध्वनि ही नहीं खड़ी होती है दो तो उसका जोड़ कैसा होगा, जुड़ नहीं सकती ना, जो दो चीज है ही नहीं तो जोड़ कैसे होगा। हाँ चेतन है, लेकिन इस कारण से उसका कारण चेतन है वो हम कर रहे हैं, नहीं ध्वनियों का जो जोड़ होता है मेल जो होता है ये केवल चेतन निमित्तक होता है कोई भी ध्वनि। हाँ तो ऐसे जो भौतिक पदार्थ में जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसका तो जोड़ ही नहीं होता, यदि जोड़ा है तो कोई जोड़ने वाला होगा, जैसे कोई पर्वत
तो वो वहाँ दो ध्वनि जुड़ थोड़े रही है, वो तो दो ध्वनि एक साथ आ रही है। वो दो ध्वनि का एक ऐसा कोई शब्द बन रहा है क्या? जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है ना, बयस पान हो या ओम लिखा हुआ है, इसमें कितनी सारी ध्वनियाँ हैं, यहाँ तो जुड़ी हुई लग रही है ना। ओम जैसे बोला हुआ है, वो है, पुत है, माँ है, ये दोनों को जुड़ यहाँ जुड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन उच्चारण में ऐसा जुड़ता है क्या? जैसे बादलों की गड़गड़ाहट होती है तो उसमें भी तो कई ध्वनियाँ होती हैं, कम ज्यादा अधिक, वो तो एक साथ उत्पन्न हो गई, लेकिन उनके जोड़ का उनको एक नई ध्वनि बनती है क्या वहाँ पर? जैसे बहुत सारे गानों बाजों को बजाने पर एक नहीं बनती, अलग अलग एक नहीं होती ना वो। जैसे यहाँ ओम बना के एक शब्द हो गया, पद हो गया, ओम और ओ और नो मिला दिया, मिलाने के बाद ये ओम पद बना है ना, तो यहाँ अब ये एक ध्वनि हो गई, ये एक शब्द हो गया तीनों को मिलाने पर। तो ऐसे वहाँ ऐसा मिला के कोई एक थोड़े बनता है, अलग अलग साथ ही रहते हैं, ये बन जाता है, ओम बन जाता है। यहाँ तो बना हुआ है ना ये, उच्चारण में नहीं आता, लेकिन उच्चारण में तो कभी नहीं ऐसा होता है। लेकिन जो वहाँ पे जो दुनिया उत्पन्न होती है, उत्पत्ति के समय वो दुनिया अलग होगी, लेकिन हमको सुनाई पड़ रही कुछ अलग नहीं। वो दो ध्वनियों का कोई एक ध्वनि बना हो ऐसा थोड़े होता है, वहाँ दोनों ध्वनि साथ में ही रहती ना, तो वहाँ दो ध्वनि एक साथ होती है इसलिए जोड़ दिख रहा है, लेकिन उच्चारण वाली ध्वनि कभी दो एक साथ होती नहीं है। ओम बोल के देखो एक साथ होता है, बोल ही नहीं सकते, तो यहाँ ध्वनियों का मेल ही संभव नहीं है, संभव होता है। लेकिन ज्ञान में क्या है, अगर ना जोड़े तो ओम बनेगा क्या? जोड़े बिना ओम बन नहीं सकता, पद नहीं बनेगा, और पद कभी उच्चारण कभी संभव नहीं है, तो फिर ये जोड़ हो कहाँ जाता है, कैसे हो जाता है? ये जोड़ वस्तुतः केवल ज्ञान में होता है, चेतना में होता है। भीतर हम ओ को भी और म को भी ज्ञान से जोड़ लेते हैं, इस जोड़ के कारण से अब कोई भी पद आदि जितने भी ये सब लिखे हुए हैं ना, ये ओम है, गयस पाणो, या जो जितने सारे मंत्र हैं या पद बाहर होते हैं, ये सभी के सभी क्या है, चेतन पूर्वक केवल निर्धारित है कि इतने शब्द यहाँ रहेंगे और इस क्रम से रहेंगे। तो वर्णों का क्रम और उनकी मात्रा, कितने वर्ण का एक वर्ण हम पद बनाएंगे, ये जो संकल्पित होते हैं, और ये संकल्प केवल चेतन से संभव है, और कोई नहीं करेगा इसको, क्योंकि और किसी के पास ये हो ही नहीं सकते। तो ये रिकॉर्डिंग आदि जो करते हैं इनमें नहीं हो सकता ऐसा, इनमें भी ऐसे क्रम से ही ध्वनियां समय उत्पन्न होती है, एक साथ नहीं होती। जैसे यहाँ उच्चारण हो रहा है ऐसे ही उसमें भी इसी क्रम से होता है, वहाँ भी नहीं जुड़ के रहती ध्वनि। तो यानी मूल चीज है कि दो ध्वनियों का मेल संभव नहीं है, लेकिन जो व्यवहार में शब्द सारे होते हैं वो सभी जुड़े हुए होते हैं। ये यहाँ जो जुड़ रहा है ये शब्द नहीं है, ये जो दिख रहा है ये लिपि है, लिपियां तो जुड़ जाएगी, ये यहाँ की बनी हुई होती है चीज, ये तो द्रव्य से बनी हुई है, ये भले ही जुड़ जाएगी, लेकिन ये ध्वनि का केवल संकेत है, ये वास्तविक में ध्वनि नहीं है। ध्वनि तो जो उच्चारण होता है और जो कान से पकड़ में आता है उसका ही नाम ध्वनि है। ये तो रूप का आंख का विषय है, ध्वनि आपका विषय नहीं होती है, इसलिए ये ध्वनि नहीं है, शब्द बोल देते हैं इसको, अक्षर या शब्द इसको बोलते हैं, लेकिन वास्तविक में अक्षर शब्द ये नहीं है। अक्षर या शब्द वो होता है जो हमारे मुख से उच्चरित होता है, कान से जो पकड़ में आता है,
उसका ये संकेत यानी नाम है कार्लोस की, आकृति है ये बस उसके, यानी कि हमने कर दिया निर्धारित ही, इसको हम इस तरह से लिखेंगे वो संकेत करेंगे शब्दों का या ध्वनियों का। ये जो होता है लिपि जो होती है वो संकेत मात्र होती है, शब्द यही नहीं होते, लेकिन बोला बोल दिया जाता है, दोनों की एक रूपता मान ली जाती है। तो ये जो मानना है ये और कोई नहीं करेगा, केवल चेतन करता है। इस कारण से जो भी शब्द का बोलना हो रहा है कर्म, ये चेतन पूर्वक होगा और किसी तरह से ये संभव ही नहीं होता। इस कारण से हम ये जो बोल रहे हैं कुछ भी शब्दों को, कोई भी नाम या पद उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण को हम बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं। पहले बुद्धि से हम निर्धारित करते हैं कि ये बोलेंगे, उससे भी पहले निर्धारित करते हैं कि इस अर्थ के लिए बोलेंगे। तो अर्थ का भी निर्धारण यानी जान करना, उस अर्थ के अनुसार फिर वो शब्द का जो भी उसका शब्द है उसका चयन करना, और शब्द के लिए फिर कैसे हम उसको उच्चारण करें, क्या क्या कहाँ से शुरू करें, किस क्रम से करें, कितना करें और कितने कितने शब्दों को एक एक साथ एक एक जोड़ में रखें, ये सारा का सारा हम पैर अंदर बुद्धि से करते जाते हैं। ना करें बुद्धि बिल्कुल नहीं होगा, फिर भूल जाएंगे, जैसे कभी होता है ना इधर उधर ध्यान चला जाता है एकदम भूल जाते हैं, उच्चारण गलत हो जाता है, भीतर ध्यान नहीं है उच्चारण गलत हो जाएगा। ध्यान उच्चारण करने के लिए भीतर ध्यान लगा रहता है, चेतना काम करती रहती है, वो इसी से ये सिद्ध होता है कि हम बोल रहे हैं इसका मतलब हमारे अंदर चेतना है और कोई भी बोल रहा है, तो इसी से फिर हो जाता है कि उसमें भी चेतना है, वो भी वहां आत्मा है। अन्यथा वाणी का उच्चारण यानी होगा नहीं, उसके शब्दों का चयन संभव ना होने से, जड़ के द्वारा चयन संभव नहीं होगा वर्णों का, इसलिए उसमें भी आत्मा है। और दूसरी बात है कि वर्णों का आप कहेंगे कि अपने आप हो सकता हो मिल जाए, तो अपने आप इसलिए ये नहीं वर्ण मिल सकते हैं क्योंकि इनके जो उच्चारण स्थान है वो नियत है। जैसे कवर का उच्चारण कंठ से होगा, कवर का उच्चारण ओष्ठ से होगा। तो अगर इसके आधार से हम माने कि उत्पत्ति स्थान के कारण ये उत्पन्न हो जाते हैं वर्ण, तो इनका यही क्रम हर समय रहेगा। जैसे हारमोनियम आदि में है ना, वो जो बटन जहाँ होते हैं हर समय वहाँ वही ध्वनि निकलती है, अलग अलग ध्वनियों करने के लिए उसको छोड़ना पड़ता है, वहाँ से आगे पीछे करते हैं, क्रम से करें तो वही वही ध्वनि उसकी बनेगी। तो अपने आप अगर उसमें करना पड़ेगा तो वही ध्वनि उत्पन्न होगी जो क्रम उसका है, लेकिन उससे संगीत नहीं बन सकता, तो इसलिए उसको छोड़ करके आगे पीछे करते रहते हो उंगली से, तभी वो ध्वनियों का फिर अलग अलग संभव संयोग होता है। तो ऐसा ही नियम यानी हमारे मुख में भी काम करता है कि हमको फिर जहां से जो ध्वनि बोलनी होती है उस स्थान को हम प्रेरित करते हैं, वायु से ताड़न करते हैं उसका, इस कारण से फिर वो वाली ध्वनि आ जाती है और ये व्यतिक्रम से मैंने किसी भी ध्वनि को आगे पीछे बोला जा सकता है, उसमें व्यतिक्रम पीछे से होता है, स्वाभाविक क्रम इसका नहीं होता है। जड़ से यदि होता अपने आप होता तो अपने स्थान क्रम से इसको होते रहना चाहिए था, लेकिन उसका अतिक्रमण होता है, इसका मतलब स्थान से भिन्न कोई उसका प्रेरक होता है। तो अभिप्राय ये हुआ कि हम अपने बात वचन से ही, ध्वनि से ही, बोलने से ही अपना मैं हूँ और ये शरीर अलग है इसको जान सकते,
की सिद्धि हो जाती है। ये जो निकल रहे ये ध्वनि ये अलग है, इनको जो निकाल रहा हूँ वो मैं अलग हूँ, दोनों एक नहीं हो सकते। हमारे में ध्वनि नहीं होती है और जहाँ ध्वनि निकलती है वहाँ इसका क्रम नहीं होता है, इसका संबंध नहीं है, संयोग नहीं होता है। इस कारण से दोनों के जो अधिकरण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते। तो ध्वनि ही हमारे एक प्रकार से शरीर और हम एक नहीं है, इसका ज्ञापक है। और इसी के साथ होता है कि हम दोनों के साथ ईश्वर का भी संबंध रहा है इसी हेतु से, क्योंकि इन ध्वनियों का जो उत्पत्ति होना था, आपस में मेल होना था, और इसके आधार पर हमें अर्थों का चयन संकेत करना था, संबंध करना था। ये संबंध करने वाले के द्वारा ही संभव है। कोई नाम किसका रखा जाना चाहिए, ये नाम और व्यक्ति को चिपका कर सकते नहीं। तो अब ये संबंध दोनों में कैसे दिखेगा? ये संबंध केवल बुद्धि से दिख सकता है बस, नहीं किसका क्या नाम है ये इसको बताने का मूल आधार केवल चेतन ही हो सकता है। कोई किसी को देख करके कभी नहीं बोल सकता इसका नाम ये होगा, यही होना चाहिए। इस कारण से नाम हर्ष में बताने पर ही ज्ञात होता है, बिना बताए किसी का नाम किसी को होगा ही नहीं पता। तो नाम बताने के लिए या नाम बताने से ही ये सिद्ध होता है कि ये केवल जड़ नहीं है, चेतन है। तो ऐसे ही जितने भी नाम ये सब उच्चारित हो रहे हैं अलग अलग ध्वनि, इनका मेल हो रहा है और इनसे अलग अलग शब्दों के अर्थों के साथ संबंध होना है। तो इसके लिए भी ज्ञान की अपेक्षा होगी, ये भी ज्ञान निमित्तक है। शब्द और अर्थ का संबंध जो होगा अर्थ में ज्ञान पूर्वक होगा, बुद्धि पूर्वक होगा। तो अब उन अर्थों को जानने वाला और उसके लिए क्या क्या शब्द होने चाहिए इसको जानने वाला चाहिए। तो ऐसा जाता केवल ईश्वर हो सकता है और कोई नहीं होगा, क्योंकि हम तो इन ध्वनियों को पहले बना ही नहीं सकते, उत्पन्न ही नहीं कर सकते। कैसे बनेगा आज भी नहीं पता, ये क कैसे उत्पन्न हो जाता है, कैसे बन जाता है। इतना सब कुछ होने पर आज भी कोई बेजाने गया कोई यंत्र अभी तक नहीं बना है जिससे क और आदि का उच्चारण हो जाए। अनुकरण करके तो करते हैं, ऐसा कोई यंत्र देखा है जो हमारी तरह से ध्वनि उत्पन्न करता हो, बोलता हो, रिकॉर्डिंग किया हुआ ही बोलता है, वो तो बोला जा चुका, वो तो अनुकरण हुआ ना, सीधे अकार बोले ऐसा नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है? नहीं, इसका जो स्थान प्रेत आदि जैसे जितना होना चाहिए ना दबाव, उतना नहीं, नहीं जान पा रहे। इस कारण से वैसे तो नहीं बना पा रहे। हारमोनियम आदि या जो भी यंत्रों से बनाते हैं बहुत मोटा होता है, इतना सूक्ष्म होता ही नहीं है, इसलिए उस तरह की ध्वनि बनती नहीं है। तो आज भी नहीं बन पाई है, लेकिन ये तो हम करोड़ों वर्षों से इसको करते आ रहे हैं। बनती है ध्वनि, आवाज जो है, उच्चारण जो हो रहा है, तो अरबों वर्षों से चल रहा है। तो अब इसको करने वाला तो चाहिए ना कोई, ऐसे कैसे हो जाएगा? वो बोलता है, वो सोफिया करके नाम रखा है, बोलता है। वैसे आपको प्रश्न पूछो तो आपको प्रश्न का जवाब देगा। नहीं, वो भी भरा हुआ होगा उसके अंदर। नहीं, उसके पास सूचना है, तो जैसे ब्रीविंग, वो जैसे आपने कोई भी प्रश्न पूछ दिया तो वो प्रश्न का जवाब वो जैसे कंप्यूटर देता है, वो पहले संग्रह करता है, संग्रह के आधार पर फिर उसमें संग्रहित वो रहते हैं, वो दोनों आपस में संबंध बनाते हैं, विषय के अनुसार उसमें भरे हुए रहते हैं। इस विषय का है तो इसके लिए इतने वाक्य हो सकते हैं, ये इतने वाक्य हो जाएंगे, तो उसके अनुसार वो डाल देता है। ऐसे उच्चारण का भी है कि
अगर ये विषय आ गया तो इस विषय में ये जो वर्णन होता है वो वहां डाल देता है, वो निकाल देता है, नया बोल नहीं पाएगा ना, नया कुछ नहीं सोच के नहीं बोल सकता हूँ, उसे उस तरह से भरा रिकॉर्ड ही समझ लो। बस इतना होता है अलग अलग विषय जैसे शब्द कोश में होते हैं ना, एक एक शब्दों के साथ नीचे विवरण होता है कि ये इसको कहते हैं ऐसा ही होता है ऐसा होता है, भरा हुआ रहता है। तो जैसे वो एक नाम आता है उसके नीचे विवरण आ जाता है, ऐसे ही यहाँ पर भी वाक्य आदि के अनुसार निर्धारित रहता है, इतने वाक्य बोला जाएगा तो ये अर्थ बनेगा, उस अर्थ के साथ फिर उन बाकी वाक्य जो जुड़े रहते हो वो डाल देता है उसमें, सोच के तो नहीं कर सकता ऐसा। मूल चीज वही है कि चलो अगर वो बोलता है जैसे हम क ख आदि बोल देते हैं अलग से, ऐसा कोई बोलने वाला है क्या? वो बोलेगा भी तो वो भी रिकॉर्ड किया हुआ, वही वैसे नहीं बोलता है, तोते आदि के थोड़ा थोड़ा जैसे मिल भी जाता है लेकिन यंत्रों का बिल्कुल नहीं होता है। तो आज भी नहीं हो रहा है और करोड़ों वर्षों से इसका कर रहे हैं प्रयोग, इसका मतलब है तो बनाया हुआ किसी के द्वारा बुद्धिपूर्वक किए, तो इससे भी पता लगता है कि हमारे साथ ईश्वर का भी संबंध रहा है। तो शरीर के साथ हम हैं और इससे अलग भी हैं, ऐसे ही हमारे साथ ईश्वर भी रहे। अब हो गया कि जो ईश्वर रहा पहले वो चूंकि नित्य है, नित्य होने से वही चीज आज भी है, इसी एक ध्वनि मात्र से उच्चारण मात्र से ही हमको इन तीनों का ज्ञान होता है, ये मैं भी हूँ, पृथ्वी में प्रकृति भी है, मैं भी हूँ और ईश्वर भी है। जब आदि करते हैं उपासना आदि करते हैं उस काल में इस ज्ञान के आधार पर तीनों की उपस्थिति वहां पर बुद्धि से की जा सकती है, भावना आदि करने में ये ज्ञान सहायक होता है, ऐसे जानना चाहिए। तो आगे बनाया जा सकता है क्या ऐसा बोलने मतलब उच्चारण करें? हाँ मतलब इतना जितना है इसकी स्थितियां ऐसा बना नहीं बन जाएगा, तो यह संभव तो नहीं है, इधर ही जड़ का ही बना है, लेकिन इतना ज्ञान होगा उसको तभी तो करते करते हो सकता है वो भी जाए, लेकिन वो उतनी सूक्ष्मता यानी उसमें जो चोट आनी चाहिए ऐसा बनेगा तो होगा।